Assalamualaikum दोस्तों. Assalamualaikum. ईद मुबारक सबको. बहुत बहुत मीठी ईद सबको मुबारक हो. आज हम लोग बाइक्स पे जा रहे हैं. छोटा सा टूर है, बाइक्स टूर. एक लेक है उधर जाना हम लोगों ने, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं. तो चलो चलते हैं फिर सफ़र की तरफ. जी तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र को. हमारा जो मेन टारगेट हम लोगों ने सेट किया है वो है स्वेक लेक. कलर कार के पास एक गाँव है उसमें ही है. तो अचानक से हमारा प्रोग्राम बना है कि चलो चलते हैं घूमने फिरने कहीं बाइक बस. हमने कहा चले वहाँ चलते हैं. तो अभी टाइम 9 बजे हैं, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्या सीन है, कैसी लेक है वो. जी तो हम लोग अभी जो है ये मेन रोड है इस पर आ गए हैं. ये मेन रोड जो है ये बिलोंग करता है भेरा और बनवाल दोनों को, जो शहर हैं छोटे छोटे उनको मिलाता है. तो हम लोग अभी भेरा की तरफ जा रहे हैं बनवाल वाली साइड से. तो उससे आगे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, मतलब उसका बाइक्स का तो सीधा रास्ता नहीं है. ऑफ रोडिंग है, दरिया है इस तरह, तो उनको क्रॉस करके जाना होता है. रास्ते में और बहुत सारे ऐसी प्लेसेस आती हैं, मतलब खीड़ा एक साज माइन है, इस तरह और चीज़ें आती हैं, तो उनको क्रॉस करना हमने. तो अभी तो हम लोग भेरा करीब पहुंचने वाले हैं, तो बस भेरा से निकलेंगे फौरन. और उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो हमें दरिया क्रॉस करना है. उसके बाद दरिया क्रॉस करके फिर आगे हम लोग एक शहर आता है पिंडबाग खान, और उस पर खीड़ा उनको क्रॉस करेंगे. तो अभी हम लोग इधर आ गए हैं जी, भेरा में पहुँचे हैं सब दोस्त भाई सारे खड़े. तो अभी हमने बस इधर से थोड़ा सा आगे रास्ता है, वहाँ से दरिया क्रॉस करना है कश्ती पे बैठ के. तो उसके बाद फिर आगे का जो सफ़र है थोड़ा सी सफ़र है. थैंक यू. तो वो हम आपको वहाँ पे पहुँच के बताएंगे कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं. अभी इधर से नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं. तो हमारी वीडियो जो है इसको एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत ही मज़े की वीडियो बनने वाली है. तो चलें चलते हैं फिर वीडियो से. आओ ना, अभी हम लोग बस दरिया किनारे पहुँचने वाले हैं. मैं हूँ और मेरे साथ ये सारे मैं हूँ. बहुत इस तरह मज़े का अभी सीन है. अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं होते हैं. अभी हम लोग जो हैं दरिया के बिल्कुल पास आ चुके हैं. ये देख रहे हैं आप, ये उन्होंने बंद सा बनाया हुआ थोड़ा सर पानी के बचाव के लिए रुकावट बनी है साथ, क्योंकि मोटरवे है और मोटरवे पे वो देख सकते हैं दरिया का पुल है. तो अभी मौसम जो है काफ़ी अच्छा मौसम है, हवा भी चल रही है, इतना कोई गर्म मौसम नहीं है अभी तक, ना गर्मी पड़ रही है. तो आगे काफ़ी जो है ना ऑफ रोडिंग है, इसी तरह की रोड होगा, मिट्टी होगी, डस्ट होगी. तो ये सामने बिल्कुल दरिया आ चुका है. सीन इधर ये है कि हमने इधर से जो कश्ती है, कश्ती चलती रहती है, जाती लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो इस तरह आते जाते रहते हैं. तो हम भी बिल्कुल दरिया के सामने पहुंच चुके हैं. हम भी बाइक्स जो है उस कश्ती में रखेंगे और इस तरह दरिया को क्रॉस करेंगे. क्रॉस करके तो फिर हमारा आगे नेक्स्ट जो सफ़र है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दरिया में पानी ज़्यादा होगा, दरिया भरा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ भी नहीं था. दरिया बहुत ज़्यादा, उसमें पानी कम था. तो हमें अब दरिया में बाइक्स भी चलानी पड़ी. तो ये थोड़ा सा आगे दो हिस्से में दरिया में पानी था, थोड़ा सा एक हिस्से में था, वहाँ से एक कश्ती थी, और दूसरी साइड पर थोड़ा सा एक हिस्से में दरिया का पानी था, वहाँ से भी हमने एक कश्ती थी इसके लिए क्रॉस करने के लिए. तो बाकी सारा दरिया जो था इसी तरह बिल्कुल खुश्क था. तो उसमें से आपको बाइक्स जो है वो इसी तरह चलानी पड़ती थी. ये बहुत टफ एक काम था कि इतनी रेत थी उसमें बाइक्स आप कैसे चला सकते हैं, और गर्मी भी पड़ रही थी ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता. ये बहुत ही एडवेंचरस था हमारे लिए, कश्ती में इस तरह खड़े होकर जाना, सफ़र करना, और फिर बाइक्स भी. और उन दिनों में इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, तीन तीन घंटे आप लोगों की बारी नहीं आ सकती, इतना ज़्यादा रश था. और यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो कम इसलिए कंज्यूम हुआ क्योंकि हम लोग 5-6 दोस्त थे, और उसमें ये था कि हम लोग जल्दी जल्दी अपने जो बाइक्स हैं उनको उठा के कश्ती में रख लेते थे. वगरना अगर आप लोग एक या दो हैं तो आप बहुत मुश्किल होगी. ये दोस्तों बहुत ही पाकिस्तान की फेमस जगह है खीड़ा साल्ट माइन, सामने वो खीड़ा साल्ट माइन नज़र आ रही है.
ये क्यूड़ा रेलवे स्टेशन आपको बहुत ही नज़र आ रहा होगा। ये दोस्तों क्यूड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बेसिकली यहाँ पे नमक जो है ना वो निकाला जाता है साल्ट माइन है नीचे, और ये उसकी सारे उसका एक पहाड़ी सिलसिला है क्यूड़ा का ही। हम लोगों का फर्स्ट टाइम था ऐसे बाइक्स पे, मतलब इतना प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, वैसे टूर पे जाना, वो भी मतलब दो तीन दोस्त चार दोस्त इकट्ठे और इस तरह टूर पे निकल जाना, तो काफ़ी एक्साइटिंग और एडवेंचरस था हमारे लिए। हम लोग अभी लेक के बिल्कुल लास्ट स्टॉप पहुंच चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ पार्किंग ही है और इससे आगे हम लोग तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा आपको लगना है। और इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, इतना मुश्किल सफ़र है, छोटे दिल वाले बंदे यहाँ पे कभी भी ना आए। बहुत ही आपको पैदल चलना पड़ता है, आपका अच्छा खासा स्टेमिना होना चाहिए इस बात के लिए। हाइकिंग बहुत ज़्यादा हाइकिंग है इसके लिए। अभी आगे तकरीबन 25 मिनट का सफ़र हो रहा है, हम लोग सुबह से चले हुए हैं, 2:30 हो गए हैं। और नहीं हालत बिल्कुल ही टाइट है इस टाइम, बिल्कुल बड़ी टाइट हालत देख सकते हैं आप, गर्मी और फिर रास्ता ऐसा। ये हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं लेक की तरफ, काफ़ी मुश्किल सफ़र है, रास्ता इतना अजीब और खौफनाक सा है। और आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी लोग डीमोटिवेट करेंगे, वापस चले जाओ, अभी काफ़ी सफ़र और रहता है, अभी इतना सफ़र और है, 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, ऐसे है चले जाओ, पानी ऐसा है, फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर क्यों आए हो, वापस चले जाओ, गर्मी है। ये देख रहे हैं जैसे लोग आ रहे हैं बेहोशों की तरह चल रहे हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल आपको डीमोटिवेट करेंगे, मगर आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, हम लोगों ने भी हिम्मत नहीं आ रही, हम लोग गए बिल्कुल गए। और इवन हमारा भी फर्स्ट टाइम था ऐसा ऐसी हाइकिंग करना और ऐसा एक्सप्लोर, लेकिन फिर भी हम लोग गए और उस लेक को जो है ना हम लोगों ने देखा है, इंजॉय किया। तो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना किसी बंदे से, आखिरकार 2 घंटों की जो हाइकिंग है पैदल मुसाफत है, उसके बाद हम लोग अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये वो लेक है जिसका हम लोगों ने सुबह से रोला डाला हुआ था। और एक और बात आपको बताता हूँ कि कभी भी अपने भाई की एडवाइस से मान लो, कभी भी ईद के दिनों में इस सब बिना इतना ज़्यादा रश आप लोग अगर आएंगे से तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच जाए, ताकि आप लोग अच्छे से इसे इंजॉय कर सकें, जो ये लेक है इसकी खूबसूरती को पिक्चर्स बनाएं, नहाएं, वीडियोस बनाएं, फुल इंजॉय करें। इवन आप लोग यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बारबेक्यू इस तरह खाना वाना खा रहे थे, शुगल कर रहे थे। उसके लिए ये है कि आप लोग ईद के दिनों में कभी भी यहाँ पे ना, नहीं तो आप लोग प्रॉपर इंजॉय नहीं कर सकेंगे, इतना ज़्यादा रश और फिर ऐसी खूबसूरत जगह पे फिर आप लोग सही इंजॉय नहीं कर सकते अगर टाइम थोड़ा हो। ये थी हमारी एक टूर गाइड स्वैक लेक की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार से लाइक तो कर दें, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग आपके लिए न्यू वीडियोज़ बनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।